सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, भैया मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, भैया मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आप बता दो अंकल कितने घंटे पढ़ना चाहिए, भाई कितने घंटा तू पढ़ रहा है, ये सारे जो कन्वर्सेशन है एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले, या फिर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये छोड़ दें क्या, क्या ये भी पढ़ना जरूरी है, अगर दो टॉपिक छोड़ दें तो क्या असर करेगा, ये जितने भी कन्वर्सेशन है ये सारे कन्वर्सेशन एग्जामिनेशन से 2 महीना पहले से बहुत तेजी से ये बढ़ने लगते हैं। तो आज 57 डेज का जो काउंटडाउन वीडियो है मैं इसी पे बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि क्या बहुत ज्यादा हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स अपनी दिक्कतें लोगों से शेयर करें तो दिक्कत हल्की हो जाती है या इनफैक्ट और ज्यादा एम्पलीफाई या बढ़ जाता है। तो मैं आप लोग को बोलता हूं कि अपनी प्रॉब्लम सजेशंस आप बिल्कुल भी पब्लिकली सबसे मत कहिए। यू हैव टू चूज वन और टू गुरुज या पेरेंट या अपना कोई दोस्त, एक या दो, बहुत ज्यादा नहीं। कुछ बच्चे होते हैं सबसे पूछ डालते हैं, अलग अलग पूछते हैं, मुझसे अलग से पूछ रहे हैं, दूसरे सर से अलग से बात कर रहे हैं, तीसरे सर से अलग से बात कर रहे हैं, काउंसलर से अलग बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से अलग पूछ रहे हैं, किसी और सीनियर से अलग पूछ रहे हैं, किसी यूट्यूब पे अलग टाइप कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं और सब उसके बाद कंफ्यूज हो जा रहे हैं। सर ये नहीं करना है आपको, आप उसी से पूछिए जो आपको जानता हो, आपको सीरियसली सुना हो, समझा हो, देखा हो। अगर वो लंबे टाइम से आपको देखा हो, सुना हो, समझा हो तो नेचुरली वो आपको सही जेन्युइन सजेशन दे पाएगा जो आपके नेचर को जानता है, आपके पढ़ने के स्टाइल को जानता है, आपके प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को जानता हो। आप किसी को बोलोगे जनरल रूल काम नहीं आएगा। कल मैंने देखा फर्स्ट रैंक वाले बच्चे का वीडियो और मैं सरप्राइज था, उसमें बहुत कम व्यू था। उस हिसाब से फर्स्ट रैंक बहुत बड़ी बात होती है, जिसने 720 out of 720 स्कोर किया एक बार, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, 2 बार स्कोर कर चुके हैं, 3 4 लोग कर चुके हैं, एक का वीडियो मैंने देखा है एंड आई बिलीव कि वो बहुत कम था, इसीलिए शायद बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं हो। सबकी स्ट्रैटजी अलग होती है, यू कांट टेल यू नो योर स्ट्रैटजी टू एवरीवन और इन जनरल स्ट्रैटजी। एक फर्स्ट रैंकर कैसे पढ़ रहा है उसकी स्ट्रैटजी आपसे कोई मतलब नहीं कर रही। इफ यू आर एट स्ट्रगलिंग समवेयर अराउंड 300, इफ यू आर स्ट्रगलिंग समवेयर अराउंड 250, हाउ कैन यू बेनिफिटेड टू नो अबाउट द फर्स्ट रैंक स्ट्रैटजी। उसका फंडामेंटल बहुत क्लियर था, उसने अपनी लाइफ में 550 से नीचे कभी स्कोर ही नहीं किया ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ 2 ईयर जर्नी ऑफ नीट, और आपने 250 350 से ऊपर स्कोर नहीं किया सपोज, तो आपको क्या उस स्ट्रैटजी से कोई मतलब है क्या? वो आपके बारे में बता सकता है क्या? कभी नहीं बता सकता। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी सिर्फ अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए, वो भी उन टीचर से जो आपको जानते हैं, जो काफी सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं, जो आपको पर्सनली अगर नहीं भी जानते हैं तो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानते हैं और एक जनरलाइज सोल्यूशन दे सकते हैं। तो 57 डेज है, 7 PM पे मैं आता हूँ रोज, उस बारे कुछ ना कुछ बात करता हूँ। एक टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, ये मैं बोल चुका हूँ, उस टेस्ट सीरीज का मैं लिंक दे देता हूँ, पूरा लिंक देखिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज पूरा ये नीट को कवर करने वाले हैं हम लोग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूँगा। तो ये जो मेरा आज ज्ञान था वो ये था कि आप अपनी चीज़ें खुद कंट्रोल करिए, बिकॉज यू हैव इनफ नॉलेज, यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन, और आप अपने बारे में जो जानते हो कोई नहीं जानता, तो सोल्यूशन खुद ढूंढो। प्रॉब्लम आपको पता है, सोल्यूशन ढूंढ लोगे, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हो, डॉक्टर को अगर पूरी बीमारी समझ में आती है तो दवाई ढंग से दे देता है वो, तो अपनी बीमारी खुद रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है खुद पे विश्वास रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन डू मिरेकल, और अगर नहीं कर पाओगे तो अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो किसी पे बिलीव नहीं होगा, फिर कोई आप पे बिलीव नहीं करेगा, फिर रिजल्ट भी आपका खराब होगा। सो ऑल द बेस्ट, कल मिलता हूँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।